हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं दोस्तों कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी आज तारीख हो चुकी है 17 नवंबर, है ना, और 17 नवंबर है। सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में बात करें तो कोई भी रेफरल कोड आप कोई भी प्लस कोर्स लेते हैं तो BHU10 या बुनेस्टे लगा सकते हैं 10% ऑफ के लिए। आप ये रेफरल कोड UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, आपको अपने इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों पढ़ाते हुए। साथ में आप यहाँ पे 170 प्लस बच्चों ने दोस्तों अनअकैडमी से जो है लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्रैक किया। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको प्लस में मिलते हैं। आपको इस तरीके से 12, 36 महीने, 24 महीने सेलेक्ट करके BHU10 रेफरल कोड है जो कि यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आप चाहो तो सब्जेक्ट की अलग से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करिए जो भी आपका एग्ज़ाम का गोल है। प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंथ, और यहाँ पे रेफरल कोड आपको लगाना है। ठीक है, स्पेशल क्लासेस की बात करें तो आज 2 स्पेशल क्लास है। एक तो है आपकी 9:30 बजे और एक है शाम में 5 बजे। 2 स्पेशल क्लास आज आपको देखने को मिलेगी। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे SSC के, यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, साथ में SSC का जो है दोस्तों वहाँ पे मैं आपको GS का फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ, कार सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बच्चे की एजुकेशन आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के थ्रू दोस्तों 500 रुपये पर मंथ एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट पर इंश्योर कर सकते हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड अटेंडेंस सब कुछ आपको मिलता रहेगा। आज का पहला दोस्तों क्वेश्चन है वर्ल्ड काइंडनेस डे, सही है ना, है ना, वर्ल्ड काइंडनेस डे। काइंडनेस होनी चाहिए, आप में भी थोड़ा काइंडनेस रहा करो लोगों से, थोड़ा क्रूअल मत हुआ करो। छोटा सा जीवन है, छोटे से लाइफ है, ऐसे निकल जाएगी हंसते खेलते, है ना। तो इसके अंदर बिन बात ही किसी को बुरा फील मत करवाओ, अच्छे से रहा करो। वर्ल्ड काइंडनेस डे के बारे में बात करें, हर साल दोस्तों 13 नवंबर को मनाया जाता है। समझ गए मेरी बात? ओके, तो ये इंसान की सबसे यूनिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स है ना, काइंडनेस बहुत ही अच्छी बात होती है। चलिए, स्मॉल एक्ट जो होता है काइंडनेस का दोस्तों आपको बहुत होता, तो स्मॉल एक्ट है लेकिन हैप्पीनेस, खुशी आपको बहुत मिलती है। दुनिया की एक बात हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में एक बात, आपको दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना, सबसे बेस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी की हेल्प करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपकी तरफ से, तो खुशी आपको मिलती है। ठीक है, चाहे बड़े बड़े पहाड़ हो, चाहे आपको चाहे फिर आपको कोई किसी को हेल्प करने को लेकर खुशी हो, किसी से बात करने को लेकर हो, ये सारी चीज़ें फ्री होती है एक तरीके से। लेकिन बस वही है, लोगों को फ्री वाली चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। ठीक है, 1998 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट चला था दोस्तों, और कई सारी दुनिया में इसको मनाया जाता है ना। और 2009 में इसकी शुरुआत सिंगापुर के अंदर भी करी गई थी। चलिए, पैरा एथलीट प्रमोद भगत को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अर्जुन पुरस्कार मिला। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो प्रमोद भगत के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, पैरा एथलीट हैं, जिनको अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समझ गए मेरी बात? 35 स्पोर्ट्समैन को दोस्तों क्या मिला है इस बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भावना पटेल भी है इसके अंदर, और भी बहुत सारे लोग हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो कहाँ पे? हरियाणा में किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, हाउसिंग और अर्बन अफेयर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बहुत सारे मिनिस्टर हैं यार, एक ही आदमी कितना काम करेगा यार, है ना। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, 2 मंत्रालय इनके पास में है दोस्तों। और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू भी अनवील कर दिया, उसके बाद इतना टाइम निकाल के, कैसे टाइम निकालते हैं मतलब, सोचो आप। ठीक है, चलिए, तो आपको मालूम है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी जो है एक मेजर सिंबल जो है रिवोल्ट का माने जाते हैं ब्रिटिश टाइम के ऊपर। नेशनलिज्म, इंडियन वुमेन का जो इंस्पिरेशन है दोस्तों वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई मानी जाती है। ठीक है, चलो, हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में बात करें, पेट्रोलियम नेचुरल गैस इन्हीं के पास है, और कुछ टाइम पहले इनके पास हाउसिंग भी इन्हीं के पास है ना।
एमपी है, उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। 52 के अंदर इन्होंने जन्मिया दिल्ली के अंदर। किस मंत्रालय ने महीने भर चलने वाले हर घर दस्तक अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया के लिए राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है? हर घर दस्तक के बारे में बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके द्वारा दोस्तों हर घर दस्तक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि चलाया गया है, ठीक है। आज के टाइम पे आपको मालूम है हर घर के ऊपर दस्तक है जो कि कोविड डेंगू ये सब दे रहे हैं, उसी से बचाने के लिए दोस्तों ये हर घर दस्तक कैंपेन कोविड से बचाने के लिए लॉन्च किया गया है, समझ गए। फ्रांस के फ्रिजर्स में 15 से 26 नवंबर 2021 तक आयोजित इंडो फ्रेंच संयुक्त सैन्य अभ्यास के छठे संस्करण का क्या नाम है? छठे संस्करण के नाम के बारे में बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, गरुड़ शक्ति होता है आपके इंडोनेशिया के बीच में, सूर्य और क्या हो एक और है ना मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच में, तो ये सारे कई सारे शक्ति शक्ति हैं। सूर्य किरण आपके नेपाल हो गया, युद्ध अभ्यास आपके यूके हो गया, वृक्ष प्रहार यूएसए हो गया, ठीक है। चलो, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस शहर में हुनर हाट के 32वें संस्करण का उद्घाटन किया है? हुनर हाट जो ये कॉन्फ्रेंस ये जो होता है दोस्तों, ये एडिशन जो है वो जिसमें ट्राइबल लोगों के जो अपने आर्ट जो बनाए हुए होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, तो ये दोस्तों दिल्ली के अंदर मनाया जाता है ना। तब आपको मालूम है जब देश में पहली बार कोरोना आया था 2020 में, जब देश में सब लोग बोल रहे थे भैया फ्लाइट को बंद कर दो है ना, स्ट्रिक्टनेस अपना लो अभी से ध्यान दो, तब उस टाइम पे मोदी जी हुनर हाट के अंदर जो है वो चाट पकौड़ी खा रहे थे और वो फोटो भी आया था, बहुत ही फेमस हुआ था। तो 45वां एडिशन इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का जो है वो दोस्तों यहाँ पे किया जा रहा है, और ठीक है ये कहाँ से आ गया अलग से, ये तो खैर अलग से ही है ना। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेकर, हुनर हाट को लेकर। चलिए तो मनसुख जी के बारे में बात करें, अभी फैमिली और हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर बने हुए हैं, पहले रोड और ट्रांसपोर्ट भी था, ठीक है। पीएचडी स्कॉलर है दोस्तों और गुजरात से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल आपूर्ति से संबंधित 735 योजनाओं को मंजूरी दी है? छोटी मोटी योजनाएं नहीं है, 735 योजनाएं हैं, छोटी मोटी नहीं है बहुत सारी, और ये गुजरात के अंदर इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं, गुजरात के बारे में बात करें, आचार्य जी गवर्नर है, भूपेंद्र पटेल जी सीएम है, 182 विधानसभा, 11 राज्यसभा, 26 लोकसभा की सीटें, गांधीनगर सबसे बड़ी क्या है क्या सॉरी कैपिटल है, सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद है, 33 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, साबरमती आश्रम गुजरात की दोस्तों अटायर है, सोमनाथ टेम्पल है या रन ऑफ कच्छ है, द्वारकाधीश टेम्पल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, रानी लक्ष्मीबाई पैलेस वडोदरा के अंदर, ओके लक्ष्मी विलास पैलेस सॉरी वडोदरा के अंदर, ठीक है। चलिए, पर कैपिटा इनकम है 7.5 लाख रुपये पर पर्सन पर ईयर के आसपास। एशियाटिक लाइन दोस्तों मैमल है, बर्ड गेटर फ्लैमिंगो है, मैरीगोल्ड फ्लावर है, फ्रूट मैंगो और बैनियन ट्री है। 70% यहाँ पे लिटरेसी देखने को मिलती है। आरबीआई ने 21-22 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 1.5% पर अनुमानित किया है। सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है, सीपीआई के इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों कितना, ठीक है, इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, 4.5 के आसपास है जो कि बताया गया है, कितना है, 4.48 से लेकर 4.35 के आसपास है जो कि इन्फ्लेशन बताया गया है ना। अक्टूबर में लास्ट ईयर तो 8% के आसपास पहुंच गया था, हालत बहुत खराब हो गई थी, अभी दोस्तों जो प्रोजेक्ट किया गया है वो कितना 5.3 किया है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है ये रहा, वो रिटेल इन्फ्लेशन है, सीपीआई की बात करें तो 5.3, रिटेलर के पास जो महंगाई है वो उतनी, और जो कस्टमर के पास है वो 5-5.5% के आसपास है जो कि रहेगा। भारत इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो अप 10% इन सेप्टेम्बर, तो कितनी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ा है सेप्टेम्बर में, वो 3.0% से दोस्तों बढ़ा है, समझ गए। जब आपका लॉकडाउन ओपन हुआ, चीजें नॉर्मलाइज हुई, तब 3.1% ग्रो हुआ सेप्टेम्बर के अंदर, है ना। चलिए, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया 2 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव आरबीआई के रिटेल इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाने को लेकर, 2 स्कीम का नाम क्या है? तो यहाँ पे है रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, ये 2 स्कीमें जो कि रिसेंटली मोदी जी के द्वारा लॉन्च करी गई है, ठीक है। आरबीआई ने रिसेंटली रिमूव किया है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिनर क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड,
ये कहाँ की कंपनी है ये आपको बताना है। तो डिनर्स क्लब के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो कंपनी है वो कहाँ की है, यूएसए की कंपनी है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे लेकिन अभी हटा दिए गए। इसके अलावा दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया है ना, मास्टर कार्ड हो गया, इन सब के ऊपर भी लगाए थे रिस्ट्रिक्शन लेकिन हटा दिए गए अभी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करें तो आशु जी है, जिनको अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो कि यहाँ पे बनाया है, समझ गए। 33 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों इनको फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ऊपर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है। गेम्स 24/7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? माई11 सर्किल, इसके जो चुने गए हैं वो मोहम्मद सिराज को दोस्तों चुना गया है। माई11, पता नहीं कितने सारे फैंटेसी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं आज के टाइम पे, याद रहना पॉसिबल ही नहीं है कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है ना। इसके अलावा सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, दिव्येश लक्ष्मण, ये सब भी बना रखे हैं, और भी 50 हो रहे। किस शासी निकाय ने गेल इंडिया लिमिटेड के ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी में 26% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? चलिए बताइए। तो इस बार जो अब होने वाला है वो NCLT के बारे में के द्वारा ये अप्रूवल है, जो कि गेल और ONGC का जो पावर प्लांट है त्रिपुरा में उसके 26% स्टेक को लेकर मंजूरी मिली है NCLT के द्वारा, समझ गए। नासा और SpaceX ने मिलकर क्रू 3 मिशन लॉन्च किया, मिशन कमांडर कौन है? मिशन कमांडर के बारे में बात करें तो राजा चैरी दोस्तों यहाँ पे मिशन कमांडर है SpaceX के क्रू 3 मिशन के दोस्तों, ठीक है। इंडियन ओरिजिन दोस्तों ये साइंटिस्ट है जो कि यहाँ पे ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो ये था आज का आपका सेशन अनअकैडमी पे। कोई भी रेफरल कोड के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए BHU10 या BHU10 यूज करिएगा। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारे टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, गोल सिलेक्ट करिए, आपका नीट का एग्ज़ाम है, आपका UGC का है, कोई कैट का है, कोई CBS है, UPSC है, जो भी है, प्लस पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके 12 या 24 महीने पे जाके BHU10 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, स्पेशल क्लास की बात करें तो 3:30 बजे, 9:30 बजे और शाम में 5 बजे, दो आज स्पेशल क्लास है। SSC क्या दोस्तों आपको देख सकते हैं, सारे के सारे फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ाए रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। नासा और SpaceX से मिलकर क्रू 3 मिशन लॉन्च किया, मिशन कमांडर तो बता दिया क्या मैंने? ठीक है, ये तो हो चुका है। बच्चे के एजुकेशन आप अपने सब्सक्रिप्शन से अफोर्ड कर सकते हैं, एक पढ़ा सकते हैं उसको मात्र ₹500 पर मंथ है। तो ये था आज का आपका सेशन गाइस, मिलेंगे वापस से 8 बजे वाले दोस्तों हमेशा की तरह हमारी एक ब्रिलियंट क्लास के अंदर, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, देखना, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।